ब्यूटी ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि भंडारे जैसे चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी बनाने का सीक्रेट क्या है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाते हैं भंडारे जैसी सब्जी। मैंने यहाँ लिए हैं 5 से 6 उबले हुए आलू, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 लौंग, 1 चक्रफूल। दोस्तों ये सब्जी का सीक्रेट है, तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3 मीडियम साइज टमाटर और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम टमाटर को रफली चॉप करके मिक्सर में डाल लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, 1 इंच बारीक अदरक को काट लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, बड़ी इलायची, इसको हम छील लेंगे और इसके दानों को इसमें डालेंगे, और ये चक्रफूल। अब इसको डाल के हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा पेस्ट तैयार है। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया है। गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी तैयार किया हुआ पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। अब मैं इन आलुओं को हाथों से मैश कर लूंगी। इन्हें रफली मैश करना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा अब ये पेस्ट तैयार है, पक गया है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं उबले हुए आलू। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे करीब हमें 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। इससे आलू में सुंधापन आ जाता है और सब्जी अच्छी बनती है। अब मैं इसमें डालूंगी करीब 300 ml वाटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सब्जी को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, सब्जी जितनी ज़्यादा अच्छे से पकेगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी लगभग पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। मैं इसे अपने हाथों से क्रश कर लूँगी और इसे इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो तैयार है मेरी भंडारे जैसी आलू टमाटर की सब्जी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।